नमस्कार, मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज टुडे। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट allindianews.today पर। जय हिंद, जय भारत। जनपद बहराइच के विकासखंड श्योपुर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण आज फिर से सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से नदी में तीसरी बार आया तूफान। क्षेत्रीय गांवों में भरा बाढ़ का पानी, जनजीवन काफी हुआ बदहाल। आपको बताते चले कि लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण पुनः तीसरी बार सरयू नदी में उफान आने के कारण क्षेत्रीय गांव में भरा बाढ़ का पानी, जिसमें रायगंज, निवादा, पीपरिया, पडुकहा, एक घरा, बाजपुरवा, जरवदिया, मुरलीपुरवा आदि गांव सम्मिलित है, में तीसरी बार बाढ़ का पानी भर गया, जिससे सीजनवार फसलों के नुकसान होने के साथ जनजीवन पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। लोगों के घरों में पानी जाने से भोजन पानी की भी बड़ी समस्या हो गई है। लोग नाव में बैठकर भोजन करते हुए दिखाई पड़े। वहीं बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने काफी अधिक चिंता व्यक्त की है। लोगों का जनजीवन बद से बदतर हो गया। जल्दी ही उन्हें प्रशासनिक मदद दिलाई जानी अति आवश्यक है। ऑल इंडिया न्यूज टुडे के साथ राज नारायण तिवारी की रिपोर्ट। मैं सूरज सिंह चौहान बोल रहा हूँ, नवादापुरे कसवाती से। आप देख सकते हैं आज 14 अगस्त से यहाँ पे बाढ़ नहीं निकली और नहीं निकलने की संभावना। हम लोग खाना कहाँ बनाए, कहाँ खाए, और आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ। हम लोग वहीं जाने के लिए भी रास्ता नहीं। आप देख सकते कहीं भी रोड नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े, इतनी तेज धारा कैसे रुके। यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारे लोगों को रोड भी नहीं है, कहाँ से थी निकल जाए। हमारे लोग का यहाँ प्रधान भी कोई नहीं सुन रहा है। आप लोग भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। आखिर हम लोग भी इंसान है, देख सकते हैं आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जाने के लिए ग्राम सभा नवादापुर कसवाती, ये यहाँ पर कोई ग्राम सभा में कोई कार्य नहीं हो रही है। ना प्रधान ना कोई कार्यकर्ता देखने वाला नहीं आता है सर। और हम लोग इतना परेशान हैं कि बच्चे कहाँ पर रहें। बच्चों सब लोग चले जाओ, हाँ छत पर चढ़ जाओ, पानी बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है। सब लोग अपना होशियारी से अपने बाल बच्चे संभाल के छत के ऊपर चढ़ जाओ, पानी बहुत ज़ोर से है और यहाँ कोई देख रेख नहीं हो रही है। हम लोग इसी तरीके से कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं। आगे चले, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कितना पानी हुआ है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं सर कि आप देख सकते हैं आपको कितना पानी भरा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे को पकड़े खड़े हुए हैं, जिससे इतना तेज धारा चला। हमारे लोग खाना बनाने के लिए कहीं जगह नहीं, हम लोग कहाँ रहे, कहाँ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे छत भी नहीं है। हम लोग पैसा नहीं, इतने गरीब है। आप देख सकते हैं किस तरह घर में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह बोले को बोलो क्या काम करने, समस्या बताइए। बोलो बोलो, डरावना चाहे जो बोलो। ठीक है सर, देखो आप पानी भर गया।